आईजी साहब के साथ उनके घर पर बैठा हुआ था। मेरे दोस्त हैं उवैस मीर, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और मुलाकात में मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की कि मुझे उन बच्चों से मिलना है जिनके बड़ों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, क्योंकि ये मुल्क हमने कुर्बानियों से ही हासिल किया है और आज तक इस मुल्क के लिए हम लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। बलूचिस्तान की पुलिस हो गई या केपीके की पुलिस हो गई, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी जानों का नजराना पेश किया। तो मैं बलूचिस्तान की पुलिस, उनकी फैमिली को सलाम करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ आप लोगों को। और जिस तरीके से माशाल्लाह आप लोगों के बड़ों ने जानों के नजराने पेश किए, इंशाल्लाह कुर्बानी कभी भी जो है वो ज़ाया नहीं होती, कुर्बानी हमेशा अपना रंग लेके आती है इंशाल्लाह। और ये जो बलूचिस्तान है, मैं कराची से बलूचिस्तान की तरफ जब आ रहा था, आप यकीन करें कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दुनिया में जो घूमा हूँ कौन से ऐसे मुल्क हैं जो इस तरह के हैं। वो टेक्सास हो गए, कैलिफोर्निया हो गए, आप लोगों के बलूचिस्तान, सूरत रहमान के अंदर जितनी अल्लाह ताला ने नेमतें गिनवाई हैं वो सब नेमतें इस मुल्क के अंदर और ख़ासतौर पर इस सूबे के अंदर अल्लाह ताला ने रखी हैं। मैं समझता हूँ कि पहले मैं आया था, बहुत पहले यहाँ पे आया था, जब यहाँ पे फ्लड्स आए थे, सैलाब आया था, बहुत पुरानी बात है, तब मैं यहाँ पे आया था। पूरी तरह बलूचिस्तान गया नहीं था, घूमा नहीं था मैं, लेकिन मैं हल्फिया बता रहा हूँ कि मैंने बलूचिस्तान को बहुत खूबसूरत सूबे के तौर पे पाया है, इसलिए कि मैं बाय रोड ट्रेवल किया है। मैंने सारा बाय रोड एक एक गाँव गया हूँ, तो मुझे इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा बहुत करीब से हुआ है। यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, जहाँ तक जिन सबसे मेरी मुलाकात हुई है। इस सूबे के अंदर उस दिन भी मेरी बात हो रही थी एक जगह, अगर हमने थोड़ी सी तवज्जो इस सूबे के ऊपर दी, थोड़ी सी तवज्जो इस सूबे पे अगर हमने दे दी, यकीन माने कि पूरा पाकिस्तान कयामत तक सलामत रहेगा और तरक्की याफ्ता मुल्कों में से रहेगा। सिर्फ इस एक सूबे को पाँव पे खड़ा करने की ज़रूरत है। हर चीज़ है सूबे के अंदर, सिर्फ हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास ऐसे लोग, प्रोफेशनल और टेक्निकल लोग होने चाहिए शहरों को, गवर्नमेंट्स को चलाने के लिए। मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं शुक्रिया अदा करूँगा पुलिस का कि मुझे मौका दिया यहाँ पे सबसे मिलने का। मैं अवेलेबल हूँ हमेशा बलूचिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लोगों के लिए। इंशाल्लाह अभी तक बात हुई है थोड़ी बहुत क्रिकेट के हवाले से, क्रिकेट अकेडमी के हवाले से। मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, यहाँ के बच्चों के साथ काम करना चाहता हूँ। यहाँ के बच्चों के अंदर टैलेंट है, शौक है, लेकिन पाकिस्तान टीम की तरफ नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान टीम में होने चाहिए, यहाँ के बच्चों का भी हक है। मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि मेरा बलूचिस्तान के साथ एक ताल्लुक जुड़ा रहे, मैं आता रहूँ यहाँ पे, मेरी फाउंडेशन यहाँ पे काम करती रहे। मैं जब से आया हूँ, जब से लोगों को से मैं मिला हूँ यहाँ पे, मैंने जितने भी मेरे फाउंडेशन के जो बोर्ड के मेम्बर्स हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि मैंने कहा यहाँ क्वेटा के बलूचिस्तान के बाद मैंने सिर्फ कश्मीर जाना है, और कश्मीर के बाद वापस मैंने दोबारा बलूचिस्तान समझता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, यहाँ पे हर लिहाज से बहुत ज़रूरत है, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे मिल सकूँ, जो कैपेबल लोग हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने हर किसी की नेमत से नवाजा है, उनको मैं अपने साथ ले कर चलूँ यहाँ के अवाम के लिए और यहाँ के लोगों के लिए। एक दफ़ा दोबारा मैं बलूचिस्तान पुलिस का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया आप सबसे मिलने का। थैंक यू सो मच।